दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने ही चैनल बोल्ट एक्सप्लेनर में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं WWE रॉ के इस एपिसोड के बारे में जो आज ही समाप्त हो गया है। जी हां दोस्तों, एलिमिनेशन चेंबर 2022 से पहले हुआ ये रॉ का आखिरी एपिसोड था और इसमें हमें काफी कुछ देखने को भी मिला। साथ ही ब्रॉक लेसनर और लीटा जैसे बड़े सुपरस्टार्स ने भी एंट्री ली। अब बिना किसी देरी के आइए नजर डालते हैं रॉ के इस हफ्ते में क्या। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE रॉ और स्मैकडाउन की धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, WWE रॉ की शुरुआत बॉबी लैशली ने की। जी हां दोस्तों, WWE चैंपियन बॉबी लैशली और MVP ने इस हफ्ते शो की शुरुआत की। बॉबी लैशली ने कहा है कि वो ऐसे मैच का हिस्सा होने वाले हैं जो कि सुपरस्टार्स का करियर बनाता है, और MVP ने इसी बीच ये भी कहा कि सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बॉबी लैशली 100% अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसके साथ चलते ही सेथ रॉलिंस, रिडल, ऑस्टिन थ्योरी और एजे स्टाइल्स भी एंट्री लेते हैं और अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। इसी जीत के दावे करने के बीच में ही हमारे ब्रॉक लेसनर ने भी एंट्री कुछ इस अंदाज में ली, जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने उनके ऊपर अटैक करने की गलती की। जी हां दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने ऑस्टिन थ्योरी को सुप्लेक्स सिटी का मजा दे दिया और साथ ही में F5 भी देकर इसके बाद उन्होंने उन्हीं के फोन से सेल्फी भी ले ली, और इसके चलते ही ब्रॉक लेसनर ने रॉ की शुरुआत में ही जबरदस्त बवाल मचा दिया। इसके बाद हमें WWE रॉ में टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर एक तरफ स्ट्रीट प्रॉफिट्स थी और दूसरी तरफ डॉल्फ जिगलर और रोबोट रूड की टीम थी। NXT सुपरस्टार सियम्पा भी कमेंट्री के लिए रॉ में मौजूद थे। हील सुपरस्टार्स ने अपने मैच की शुरुआत में दबदबा बनाया। रूड ने सुप्लेक्स स्लैम लगाया और जिगलर ने फोर पर अटैक जारी रखा। इसी बीच डंकीज को टैग मिला और उन्होंने एंट्री करते हुए इस मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। रिंग के बाहर जिगलर के ऊपर सियम्पा ने पानी फेंक दिया और रूड का ध्यान पूरी तरह से भटक गया। रिंग के अंदर फोर्ट ने स्प्लैश हिट करते हुए अपनी टीम के लिए मैच जीता, और मैच के बाद डॉल्फ जिगलर ने सियम्पा के ऊपर जबरदस्त किक लगाई। हालांकि इस मैच के विजेता पूरी तरह से बनते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स। इसके अगले मैच में हमें WWE रॉ में डेमियन प्रिस्ट का AJ स्टाइल से 1-on-1 फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। जी हां दोस्तों, AJ स्टाइल्स ने मैच की शुरुआत में जबरदस्त मूव लगाए, लेकिन प्रिस्ट ने भी बैक ब्रेकर लगाते हुए वापसी की। दोनों सुपरस्टार्स ने हार नहीं मानते हुए एक दूसरे के ऊपर कई तरह के जबरदस्त मूव्स भी लगाए, लेकिन मैच को जीतने का प्रयास करते रहे। मैच के अंत में AJ स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म देने गए, लेकिन प्रिस्ट ने सनसेट कवर के जरिए इस मैच को जीत लिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो इस मैच के विजेता होते हैं डेमियन प्रिस्ट। इसके अगले मैच में हमें WWE रॉ में ओमोस वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन का 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिला, जो काफी छोटा रहा था, और इसमें पूरी तरह से ओमोस का दबदबा देखने को मिला। हर्ट बिजनेस ने नंबर्स गेम का फायदा उठाना चाहा, लेकिन अंत में ओमोस ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को चोक स्लैम देते हुए आसानी से इस मैच को जीत लिया। तो इस मैच के विजेता होते हैं ओमोस। इसके बाद हमें WWE रॉ में बेकी लिंच और लीटा के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिली, जो एलिमिनेशन 2022 में बेकी लिंच और लीटा के बीच WWE रॉ वीमेन चैंपियनशिप मैच होने जा रहा है, और इससे पहले रॉ में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली। बेकी लिंच ने लीटा को मैच से पीछे हटने का ऑफर भी दिया, लेकिन लीटा ने साफ मना कर दिया। वो बोलती हैं कि वो इसके लिए पीछे हटने के लिए नहीं आई है। लीटा ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग किया और चैंपियन बनने की ओर इशारा किया, लेकिन ब्लिंच ने कहा है कि उन्हें लीटा की कमजोरी पता है और कहा है कि वो उनकी गर्दन के पीछे जाने वाली हैं। लेकिन लीटा ने दावा किया है कि वो बेकी लिंच के टाइटल रन को जल्द से अंत करेंगी। बेकी लिंच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के बाद वहां से चली जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये सेगमेंट भी खत्म होती है।
इसके बाद हमें डिवस का मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है। जो भी इस मैच को जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर के सबसे लास्ट में एंट्री लेगा। तो इस मैच का नाम है गाउंटलेट मैच, जहां पर हमें फर्स्ट मैच देखने को मिलता है निकी एश वर्सेस रिया रिपली। निकी एश ने शुरुआत में अपनी पहली टैग टीम पार्टनर के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन रिया रिपली ने वापसी करते हुए जबरदस्त क्लोज लाइन लगाई और अंत में अपना सिग्नेचर मूव हिट करते हुए निकी एश को एलिमिनेट किया। इसका सेकंड मैच हमें रिया रिपली वर्सेस लिव मॉर्गन का देखने को मिला। लिव मॉर्गन ने मैच की शुरुआत में रोल अप करने का प्रयास किया, लेकिन रिया रिपली ने खुद को बचाया। रिपली ने पावर बम देने का प्रयास किया, लेकिन मॉर्गन ने फेस बस्टर लगा दिया। इसके बाद लिव मॉर्गन ने टॉप रोप से ड्रॉप किक लगाने का प्रयास किया, लेकिन रिया रिपली ने इसे भी जबरदस्त तरीके से काउंटर किया। अंत में रिया रिपली ने मॉर्गन को अपना सिग्नेचर मूव देते हुए उसे भी एलिमिनेट कर दिया। इसके चलते ही हमें नेक्स्ट मैच रिया रिपली वर्सेस टू ड्रॉप का देखने को मिलता है। रिया रिपली को टू ड्रॉप ने बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन टू ड्रॉप ने जबरदस्त तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल किया। अंत में रिया रिपली ने टू ड्रॉप को पिन किया और इस मैच से उन्हें एलिमिनेट करते हुए बहुत ही बड़ी जीत का घोषणा कर दी। और इस मैच के फाइनल में हमें रिया रिपली का प्रियंका ब्लेयर से 1-on-1 मैच देखने को मिला, जो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था। दोनों काफी प्रतिभाशाली सुपरस्टार हैं और उन्होंने इस मैच में काफी शानदार तरीके से अपने मूव्स का इस्तेमाल किया। इस बीच कई बार असफल पिन का प्रयास भी देखने को मिला। मैच के अंत में जब रिया रिपली क्लोवर लीव देने गई, तभी ब्लेयर ने स्पाइन बस्टर हिट किया और ब्लेयर ने KOD हिट करते हुए इस मैच को जीत लिया। अब वो चेंबर मैच में सबसे आखिरी स्थान पर एंट्री करने वाली है, तो इस मैच की विजेता होती है बियांका ब्लेयर। इसके बाद हमें रॉ की बैक स्टेज में देखने को मिलता है, जहां पर डेना ब्रुक ने और ट्रुथ अकीरा टोसावा और टमीना के अटैक से खुद को बचाया। रेडी ने डेना ब्रुक को उनकी दोस्ती को अलग लेवल पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन डेना ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद रेजी ने फिर से डेना ब्रुक को धोखा देते हुए उन्हें रोल अप करते हुए 24/7 चैंपियनशिप को जीत लिया। इसके बाद वेटर ने आकर डेना ब्रुक को खाने का बिल भी दे दिया। बाद हमें फिर से रॉ में टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ थी अल्फा एकेडमी और दूसरी तरफ थी रे मिस्टीरियो की फैमिली। इस मैच के शुरू होने से पहले ही अल्फा एकेडमी ने आरके ब्रो के साथ रे और डोमिनिक मिस्टीरियो को चीटर बताया। द मिस और मरीस ने मैच से पहले ही रिंग में एंट्री की। अल्फा एकेडमी ने मैच की शुरुआत में कंट्रोल हासिल किया। रे मिस्टीरियो ने वापसी करने का प्रयास किया, लेकिन ओटिस ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। आखिरकार मिस्टीरियो फैमिली ने वापसी की और अल्फा एकेडमी के ऊपर दबाव बनाया। गेबल के ऊपर 619 मूव भी लगाया और जब डोमिनिक स्प्लैश लगाने गए, मिज ने उनका ध्यान भटकाया। अंत में गेबल ने रोल अप करते हुए इस मैच को जीत दिया। मैच के बाद मिज और मरीस ने धोखे से रे और डोमिनिक के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन फाइनली इस मैच का विजेता होता है अल्फा एकेडमी। के बाद हमें एलेक्सा ब्लिस की थेरेपी सेक्शन देखने को मिलती है, जहां पर उनके डॉक्टर ने उन्हें फिट घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लिस को ये रेप्लिका डॉल अपने साथ ही रखनी पड़ेगी। डॉल को हासिल करते ही एलेक्सा ब्लिस ने एकदम से खुद को एलिमिनेशन चेंबर मैच में शामिल कर लिया, तो वो इस हफ्ते एलिमिनेशन चेंबर मैच में खुद को शामिल करती हैं। के बाद हमें फाइनली WWE रॉ का मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ थे हमारे सेथ रॉलिंस और दूसरी तरफ थे रैंडी ऑर्टन। रॉ के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस के बीच में मैच हुआ। दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक यादगार मैच देखने को मिला, जिसमें एक्शन की कोई भी कमी नहीं थी। रॉलिंस ऑर्टन को अच्छी तरह से एक दूसरे की कमजोरी पता थी, इसी का फायदा दोनों ने पहले से ही उठा लिया था। रैंडी ऑर्टन ने पेडिग्री और स्टंप को अच्छे से काउंटर किया। रैंडी ने पहले DDT लगाई और फिर रॉलिंस को RKO दे दिया। इसी वक्त अल्फा एकेडमी ने एंट्री की और उनका ध्यान भटकाया। रिडल और रैंडी ऑर्टन ने मिलकर जबरदस्त तरीके से अल्फा एकेडमी के खिलाफ फाइट बैक भी किया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने रिंग में जब एंट्री की, रॉलिंस ने उनके ऊपर स्टंप देते हुए इस मैच को जीत लिया, तो 14 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को करारी शिकायत देखने का मौका इस मैच में मिला, लेकिन इस मैच के विजेता होते हैं सेथ रॉलिंस।
आई होप दोस्तों आपको मेरी इस बार की मंडे नाइट रॉ की लिटिल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर हर बार की तरह अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस बार का एलिमिनेशन चेंबर कौन जीतने वाला है और कौन वुमेन्स टाइटल को रिटेन करने वाला है या कौन न्यू वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है। और अगर आप इन फ्यूचर ऐसे ही मेरी WWE रॉ और स्मैकडाउन की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाना शुरू कर सकूं। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर।